समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में दाखिला शुरू हो गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश प्रारंभ है। जिन छात्र छात्राओं की, जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष है, उनका दाखिला स्कूल में कराएं। उच्च प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर में बच्चों के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के एडमिशन कराएं। एडमिशन के समय बच्चे का फोटोग्राफ, बच्चे का आधार कार्ड और अभिभावक की बैंक की पासबुक साथ में लाएं, ताकि शासन द्वारा मिलने वाली समस्त सुविधाएं बच्चे को प्राप्त हो सके, जैसे 2 ड्रेस, बैग, जूता मोजा, स्वेटर, पुस्तकें, ये सभी निःशुल्क शासन द्वारा मिलती हैं। सभी से निवेदन है कि कासिमपुर को प्रेरक कासिमपुर बनाने के लिए अपने बच्चों का एडमिशन अतिशीघ्र कराएं। कोई भी बच्चा छूटा, लक्ष्य हमारा टूटा। कासिमपुर को प्रेरक कासिमपुर बनाने के लिए सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों का एडमिशन उच्च प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर में कराएं। विद्यालय में समस्त प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे झूले, हरा भरा प्रांगण। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष है, उनका एडमिशन उच्च प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर में कराएं। अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर आएं और अपने बच्चे का दाखिला कराएं। जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष हो गई है, उन सब बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराएं। हाँ, आ जाना। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि 1 से 8 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। एडमिशन के समय बच्चे का एक फोटोग्राफ, बैंक की पासबुक अभिभावक की और बच्चे का आधार कार्ड साथ में लाएं। एक भी बच्चा छूटा, लक्ष्य हमारा टूटा। कासिमपुर को प्रेरक कासिमपुर बनाने के लिए समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि समस्त बच्चों का प्रवेश अतिशीघ्र कराएं। साथ ही ई पाठशाला उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसका लाभ लें। बच्चे को टीवी पे आने वाले प्रोग्राम को दिखाएं, प्रेरणा साथी का सहयोग प्राप्त करें, बच्चे को होमवर्क में सहयोग करें, या फिर भी कोई समस्या हो तो विद्यालय में आकर संपर्क करें। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर में एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष है, वो कृपया विद्यालय में आए और अपना एडमिशन कराएं। एडमिशन के समय बच्चे का एक फोटोग्राफ, बच्चे का आधार कार्ड और अभिभावक के बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी या ओरिजिनल कॉपी साथ में लाएं। ई पाठशाला पे आने वाले होमवर्क को बच्चे को कराएं, प्रेरणा साथी का सहयोग प्राप्त करें, बच्चे का होमवर्क कराने में उसका सहयोग करें, बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरक कहानियां सुनाएं। यदि फिर भी कोई समस्या अगर आ रही हो होमवर्क करने में, तो विद्यालय में संपर्क करें। 1 से 8 तक के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष है, उनका दाखिला स्कूल में कराएं। एक भी बच्चा छूटा, लक्ष्य हमारा टूटा। कासिमपुर को प्रेरक कासिमपुर बनाने के लिए समस्त ग्रामवासियों से सहयोग की अपील करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं विद्यालय परिवार की ओर से कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में आप हमारा सहयोग करें, कासिमपुर को प्रेरक कासिमपुर बनाएं। जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष हो गई है, कृपया उनका दाखिला स्कूल में आके कराएं। स्कूल में आके दाखिला कराएं। दाखिला के समय बच्चे का फोटोग्राफ, बच्चे का आधार कार्ड और अभिभावक की बैंक की कॉपी साथ में लाएं। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 1 से 8 तक के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं।
कृपया करके विद्यालय आएं और अपने बच्चे का दाखिला कराएं। एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा जीवन की आधारशिला है। शिक्षा वो मूल मंत्र है जिसके आधार पर हमारा कासिमपुर का नौनिहाल उच्चतम शिखर पर जा सकता है, कासिमपुर का नाम रोशन कर सकता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है विद्यालय परिवार की ओर से कि अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष पूर्ण हो गई है, कृपया वो विद्यालय में आएं और अभिभावक उनका दाखिला कराएं। दाखिले के समय बच्चे का फोटोग्राफ, बच्चे का आधार और अभिभावक की बैंक की पासबुक लाना न भूलें, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनको मिलने वाली समस्त सुविधाएं समय से प्राप्त हो सके। सभी से निवेदन है कि जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष पूर्ण हो गई है, उनको लेकर कृपया विद्यालय आएं और शीघ्रता से एडमिशन कराएं। कासिमपुर में चलने वाली ई पाठशाला और मोहल्ला क्लास का लाभ लें और अपने समस्त डाउट्स को बच्चे क्लियर करें। प्रेरणा साथी के साथ, शिक्षकों के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाएं। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि